हेलो नमस्ते सत श्री अकाल जी, मैं गौर चुगानी तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे ब्लिसफुल यू एंड माइंड। फ्रेंड्स, आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है जी टी टाइम स्नैक, जो कि है एक केक की, जिसका नाम होता है मावा सैफरन केक। मोस्ट ऑफ द केक्स जो बनते हैं वो बनते हैं मैदे से, मगर हम जो ये केक बनाएंगे वो बनाएंगे इसे सूजी और आटे से, जो कि अल्टीमेटली होगा हेल्दी केक। ये केक एक ऐसा केक है जो बन के बहुत ही जल्दी रेडी हो जाता है और खाने में तो टेस्ट साहब आप इसका पूछिए ना। साहब, रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को इस तरीके से सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब बटन दबा के बेल बटन दबाएं, देन उसके बाद ऑल ऑप्शन जरूर दबाएं। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये रेडीमेड मैंने खोआ ले लिया है, जिसे मावा भी कहा जाता है, जो कि 200 ग्राम का है। सो फ्रेंड्स, आप चाहें तो रेडीमेड भी ले सकते हैं, और नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खोआ बनाने की रेसिपी दे दी है, आप उसको फॉलो करके भी खोआ बना सकते हैं। अब फ्रेंड, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आधा कप जितना मैंने बटर ले लिया है, जो कि आपको इसी फॉर्म में लेना है। ये हल्का सा मेल्टेड बटर है मगर फुल मेल्टेड नहीं है, और 2/3 कप मैंने ये पाउडर शुगर ले ली है। चलिए जी, अब सबसे पहले हम ये बटर और शुगर को अच्छे से मिक्स करेंगे, अनटिल अनलेस जब तक कि ये हमारा जो बटर है और शुगर है बिल्कुल ब्लेंड करते करते व्हाइट कलर का क्रीमी फ्रॉदी नहीं हो जाता। आप चाहें तो फुल मेल्टेड बटर होता है वो भी ले सकते हैं, मगर एक्चुअली जो जिस तरीके का बटर का टेक्सचर मैंने आपको बताया है, अगर आप उस तरीके का लेकर इस तरीके से आप अगर उसे पीसते हैं, जो कि बन जाता है क्रीमी फ्रॉदी टेक्सचर, तो इससे हमारा केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट केक बन के तैयार होगा। सो दोस्तों, आपके लिए यही एक टिप है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग फुल मेल्टेड बटर आप इस तरीके का बटर जरूर लें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ब्लेंड करते करते मुझे 8-10 मिनट्स हो चुके हैं। अब ये देखिए, बिल्कुल व्हाइट हमारा बैटर हो चुका है, जो कि बहुत ही क्रीमी एंड लिटिल फ्रॉदी है। चलिए जी, अभी देखिए यहाँ पे बटर और यहाँ पे शुगर अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम ऐड करते हैं 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर, एंड यहाँ पे मैंने ले लिया है 1/2 कप जितना आटा। चलिए, अब इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम पहले थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये लीजिए जी, अच्छे से आपको इनको मिक्स कर लेना है। देखिए साहब, ये इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड में ये मैंने इस तरीके से मिक्स कर दिया है। अब ऐड करती हूँ 1 कप जितना मैंने सूजी ऐड करा है, और 1 कप जितना हम मिल्क लेते हैं, जो कि हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। चलिए जी, अब मिल्क डालते जाएंगे, एंड कट एंड फोल्ड मेथड से हम ये सारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स करते जाएंगे। देखिए साहब, इस तरीके से कट एंड फोल्ड मेथड से सारे इंग्रेडिएंट्स को मैंने काफी अच्छे लेवल में मिक्स कर दिया है, और आप यहाँ पे देखेंगे 1 कप जितना दूध ऐड करने के बाद मेरा जो बैटर है कुछ इस तरीके का हो चुका है। अब बैटर को हम 15 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। साहब, हमारे केक को थोड़ा सा और मॉइस्ट बनाने के लिए 1/4 कप जितना मैंने ये दही ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने फ्रेंड्स 100 ग्राम जितना ये मावा ले लिया है। ये देखिए, इस तरीके का बिल्कुल सॉफ्ट टेक्सचर में है हमारे ये मावा। चलिए जी, अब इस मावे को हम इस बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए जी साहब, यहाँ ये देखिए सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमारा ये बैटर बिल्कुल अच्छे से रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अब बात आती है फ्लेवर की। यहाँ पे मैंने गरम दूध करके ये केसर काफी अच्छे अमाउंट में मैंने ऐड किया था। देखिए, काफी अच्छा कलर मेरा केसर ने छोड़ दिया है। सो ये वाला चीज हम इसमें ऐड करेंगे, इससे कलर तो आएगा ही आएगा, प्लस बहुत ही अच्छा सैफरन का फ्लेवर भी आएगा, तभी ये हमारा केक बनेगा, सैफरन मावा केक। अब नेक्स्ट हम ऐड कर देते हैं 1 टीस्पून जितना बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा। चलिए जी, अब कर लेते हैं इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जब आप अपना बैटर पहले देखेंगे और बेकिंग सोडा के बाद देखेंगे तो बहुत उसमें अंतर होगा, क्योंकि बैटर जब हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो बैटर बहुत ही लाइट हो जाता है। सो जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो आपका थोड़ा जैसे हल्का खमीर बनता है, तो कैसा हमारा बैटर लाइट सा हो जाता है, उस तरीके का बिल्कुल लाइट वेट आपका बैटर हो जाएगा। इसका मतलब होगा जी सोडा ने काम करना शुरू कर दिया है। अब जब सोडा डलेगा तो आपको बहुत ही क्विकली काम करना है, मतलब कि हमारे केक को फटाफट से बेकिंग में रखना है। ये है हमारी बेकिंग ट्रे। चलिए जी, ये क्योंकि ओवन सेफ बेकिंग ट्रे है तो मैं इसमें यहाँ पे ये बैटर को प्लेस कर लेती हूँ। कंसिस्टेंसी आप बैटर की देख रहे होंगे, इसी तरीके से आपके भी बैटर की कंसिस्टेंसी साफ होनी चाहिए। सो देखिए, इतना काफी थिक कंसिस्टेंसी में मेरा बैटर है।
बैटर पोर हो चुका है। अब ये देखिए इस तरीके से आपको दो तीन बार अच्छे से टैप करना है ताकि जो हमारा बैटर है काफी अच्छे अमाउंट में सेटल डाउन हो जाए। चलिए जी, अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, कुछ पिस्ता हैं, कुछ काजू हैं, कुछ बादाम हैं, सो इस तरीके से काट के मैं गार्निश कर लेती हूँ सब। चलिए साहब, अब केक मेरा बेकिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। ये थोड़ा क्लोजअप लुक मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छे से मेरा रेडी हो चुका है केक। दूसरा टिन मैंने इस तरीके से रेडी किया है। फॉर मोर गार्निशिंग मैंने ऐड कर लिया कुछ सैफ्रन के फ्लेक्स। ये देखिए इस तरीके से मैंने सैफ्रन के फ्लेक्स ऐड कर दिए। चलिए जी, यहाँ पे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा सैफ्रन का। ये देखिए मेरा टिन इस तरीके से रेडी हो चुका है। चलिए जी, आप इसको या अवन में या कुकर में अच्छे से बेक कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कढ़ाई में बेक किया है और ये मैं डाल के देखती हूँ उसमें स्टिक। बिल्कुल क्लीन निकल रही है मेरी स्टिक, मतलब मेरा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। और अगर आप देख रहे होंगे तो कॉर्नर्स भी रिलीज कर दिए हैं काफ़ी अच्छे अमाउंट में। ये देखिए कॉर्नर्स रिलीज हो चुके हैं, मेरा केक मतलब बन के अच्छे से रेडी हो चुका है, ठंडा भी हो चुका है। चलिए निकाल लेते हैं इसे फटाफट से बाहर। चले जी, अब पहले यहाँ पे मैं नाइफ लगा के थोड़ा सा कॉर्नर्स को लूज कर देती हूँ ताकि फटाफट से हमारा केक बाहर निकल जाए। देखिए साहब, केक को मैंने अनमोल्ड कर लिया है और ये देखिए काफी अच्छे अमाउंट में हमारा केक बेक हो चुका है। अगर आप थोड़ा सा क्लोजअप लुक में देखेंगे तो आप देखेंगे ये देखिए सूजी भी हमारी विजिबल है काफी अच्छे अमाउंट में। सो साहब, हमारा सूजी मावा केक बहुत बनके अच्छे से रेडी हो चुका है। ये देखिए इसी तरीके से मैंने कुछ गार्निशिंग हमारे प्लेट की कर ली है। सो ये देखिए क्लोजअप लुक हमारे केक का। सो फ्रेंड्स, देखा बहुत ही सिंपल तरीके से बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हमने हमारा सूजी मावा केक रेडी कर लिया है। और आप ये देखेंगे तो बहुत ही स्पॉन्जी केक हमारा बनके रेडी हुआ है। चलिए जी, अब इसे फटाफट से मैं आपको थोड़ा सा काट के भी दिखा देती हूँ हमारे ये केक किस तरीके से बना। यूजुअली जो सूजी के केक होते हैं थोड़े से दानेदार और दरदरे होते हैं क्योंकि उसमें सूजी है। ये देखिए काफ़ी अच्छा केक बनके रेडी हुआ है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। ये मैंने बेसिक टी टाइम केक आपके साथ शेयर किया है जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी एंड यम्मी बन के रेडी होता है। सो फ्रेंड्स, आप भी ट्राई कीजिए जल्दी से ये रेसिपी एंड शेयर कीजिए आपके रिव्यूज कैसी बनी है आपकी रेसिपी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ फिर ऐसी ही कोई अमेजिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप रहिए मुझसे कनेक्टेड एंड रहिए स्टे ब्लिसफुल एंड स्टे हेल्दी।